बंपर पैदावार से नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। महेवा मंडी में लाल आलू 15 रुपए से 16 रुपए तक तथा सफेद आलू 12 रुपए से 13 रुपए और पुरानी प्याज 22 रुपए से 24 रुपए तथा नया प्याज 25 रुपए से 28 रुपए किलो तक बिक रहा है। जिसके संबंध में महेवा मंडी के आलू प्याज के व्यापारी शम्स तबरेज ने कहा कि लॉकडाउन के बाद मंडी में आलू प्याज के रेटों में काफी बढ़ोतरी हुई थी, जिसका कारण भारी बारिश था, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई थी और आवक न होने से आलू प्याज के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने कहा कि स्थिति यह हो गई थी कि आज इतना महंगा आलू कभी मंडी में नहीं बिका था। उन्होंने कहा इस समय आलू प्याज के दामों में काफी गिरावट आई, जितने रेट पर लॉकडाउन में आलू प्याज बिक रहा था उससे भी सस्ता इस समय आलू और प्याज का रेट हो गया है, क्योंकि आवक भरपूर है और बिक्री भी अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आलू और प्याज के दामों में और गिरावट होने के आसार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महेवा मंडी के आलू प्याज के व्यापारियों ने कहा रेट बताया जा रहा है मालिक का। शम्स तबरेज राइन। मंडी में आलू और प्याज का रेट क्या है? मंडी में इस समय आलू बिक रहा है, आपका लाल वाला आलू बिक रहा है 15 रुपये से लगा के 16 रुपये किलो तक का, सफ़ेद आलू बिक रहा है 12 रुपये से लगा के 13 रुपये किलो तक का। प्याज पुरानी वाली प्याज बिक रही है 22 से 24 रुपये किलो और नई वाली प्याज आ रही है इस समय 25 रुपये से लगा के 28 रुपये किलो तक की। हाँ, रेट कारण बारिश की वजह से जो फसल खराब हो गई थी उसके वजह से आलू टाइट हो, स्टोरेज भी कम हुआ था आलू, इसलिए बीच में आलू बहुत काफ़ी टाइट हो गया था, मतलब आज तक का इतना महंगा आलू बिका नहीं था। और इस समय जो आलू बिक रहा है वो कंट्रोल में हो गया, रेट भी कम हो गया, लॉकडाउन में जिस प्रकार से आलू बिक रहा था जो कम रेट थे उससे भी 1-2 रुपये किलो कम इस समय हो गया हुआ है, क्योंकि इस समय भरपूर आलू आ रहा है। आवक भरपूर आ रही है कन्नौज बिल्लौर तिरुआ और क्या बोलते हैं जबलपुर साइड से, इस समय सारा आलू आ रहा है इसलिए भरपूर आमदनी हो रही है और पैदावार भी हर तरफ हो गई है, अब इसलिए आलू डाउन है। रेट आवक को लेके कोई समस्या नहीं, आवक को लेके कोई समस्या नहीं है, रेट भी आगे यही सब रेट रहेंगे और ऐसा नहीं है कि ये रेट चढ़ेंगे, रेट यही रहेंगे। हम फैजान अख्तर। इस समय मंडी में आलू और प्याज का रेट क्या है? इस समय आलू और प्याज का रेट, आलू लाल बिक रहा है 1550 और सफ़ेद बिक रहा है 1250, प्याज बिक रही है 2700-2800 रुपये कुंटल। बीच में इन दोनों का रेट भागा हुआ था काफ़ी, तो उतने टाइम पैदावार कम थी आलू की, इस समय जो है पैदावार खूब हो रही है आलू की, इसलिए आलू कुछ डाउन हुआ है। आवक को लेकर क्या स्थिति है? क्या चीज़ आवक आने की इस बार आलू और आएगा, इस बार आलू की पैदावार ज़्यादा हो रही है इस टाइम, इस बार आलू कम वो भाव जो है कम होगा, ये और मतलब रेट गिरने की संभावना, रेट और गिरेंगे मार्च अप्रैल तक ना, जब पूरा नया आलू आएगा वही पुराना आलू तो और भाव गिरेंगे इसके। मोहम्मद कमजोर जमा। 13-12 के बीच में और वो लाल वाला आलू बिक रहा है 15-16 के बीच। प्याज क्या रेट है? प्याज बिक रही है आपकी पुरानी प्याज है 20-18 तक। बीच में रेट भागा हुआ था काफ़ी? हाँ, बीच में भागा हुआ था थोड़ा 27-28 वजह से, बट अब सही है। अब इस समय प्याज कितनी आने की? अब प्याज की स्थिति तो नासिक ही वाले बता पाएंगे, हम लोगों को तो उतना जानकारी रहती नहीं है।